दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और दबाएं इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले वीडियो को सबसे पहले। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है इस सप्ताह के हर दिन का अपना एक अलग ही महत्व होता है। आज हम आपको सप्ताह के गुरुवार के बारे में उसके महत्व के बारे में बताएंगे। गुरुवार सप्ताह का पांचवा और धार्मिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण दिन होता है। सनातन परंपरा को मानने वाले लोग चाहे कितने ही बड़े मांसाहार के शौकीन क्यों ना हो, गुरुवार के दिन तामसी भोजन से परहेज करते हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि इस गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का दिन माना गया है। बृहस्पति देव को धन और समृद्धि के साथ ही संतान और शिक्षा का दाता माना गया है। गुरुवार को बृहस्पति वार भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार के दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक परेशानियां खत्म होती हैं। घर में धन दौलत सुख शांति वैभव समृद्धि और शांति का वास होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो प्रत्येक गुरुवार को इन उपायों को जरूर आजमाएं, निश्चित ही लाभ होगा। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पीले वस्त्र धारण करें। प्रत्येक गुरुवार को सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और पूरे दिन पीले वस्त्र ही धारण करें। भूलकर भी मांसाहार अथवा नशे की सामग्री का प्रयोग ना करें। इस उपाय से बृहस्पति की कृपा होती है और धन संबंधित परेशानियां दूर होती जाती हैं। मंदिर में पीले पुष्प चढ़ाएं। वैसे तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन आप जिस किसी भी देवता के उपासक हैं उनके मंदिर जाएं तो पीले फूल ही अर्पित करें। देवता एक दूसरे के वाहक होते हैं। ऐसा करने से कारोबार में लगातार वृद्धि होती जाती है और घाटा कम होता जाता है। कच्चा दूध चढ़ाएं। घर के आंगन में तुलसी माता का पौधा हो तो सुबह स्नान के पश्चात और शाम को दिया जलाने के समय उस पर कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे परिवार में सुख शांति आती है। मंत्र का जाप करें। गुरुवार के दिन जब स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाएं तो ओम ग्राम ग्रीम क्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जप करें। 11 गुरुवार तक इस प्रक्रिया को दोहराएं। इससे संतान और धन का सुख प्राप्त होता है। स्नान करें हल्दी से। गुरुवार के दिन स्नान करने से पूर्व पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के पश्चात पूजा करने से पूर्व मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं। इसके बाद ही किसी भी काम को करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। अगर परिवार में दुखों का बसेरा होता जा रहा है तो स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। गरीबों के बीच करें दान। हिंदू धर्म में दान को काफी प्रमुखता दी गई है। दान देने से रोग दुख और बला दूर हो जाते हैं। आर्थिक और पारिवारिक परेशानियों से निजात पाने के लिए प्रत्येक गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे हल्दी दाल चना बेसन फल आदि गरीबों के बीच दान करें। दोस्तों आइए कैसे जानें आपका गुरु कमजोर है। पहला, यदि आपका पाचन तंत्र कमजोर, मोटापा, मसल्स कमजोर, शरीर के निचले हिस्से में असहनीय दर्द हो तो समझ सकते हैं कि गुरु कमजोर है। दूसरा, व्यक्ति आलसी हो जाता है। मोटापा और शरीर में कमजोरी की वजह से कई कामों को नहीं कर पाता है। तीसरा, बच्चों में पिट्यूटरी ग्लैंड की कमजोरी से शारीरिक विकास में काफी दिक्कतें होती हैं। चौथा, गुरु यदि कुंडली में कमजोर है तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। पांचवा, महिलाओं की कुंडली में गुरु कमजोर होने पर संतान कमजोर होती ही है। महिला के शरीर में मोटापा और पैरों के जोड़ों में दर्द होता है। उनका किसी काम में मन नहीं लगता है। ऐसी महिलाओं को दोबारा माँ बनने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छठा, गुरु खराब हो तो व्यक्ति के पेट में सूजन रहती है। कमजोर या खराब गुरु आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पाने नहीं देता। सातवां, व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने की परेशानियां हो जाती हैं, तो समझो गुरु कमजोर हो सकता है। कुपित गुरु बहुत ज्यादा खाने का आदि बनाता है, इसकी वजह से रोग कभी नहीं जाते। घोर बीमारी में भी ऐसे लोग परहेज नहीं करते जिसके कारण उनकी उम्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आठवां, कमजोर गुरु वाले लोग प्रेम में कमी का एहसास करते हैं और उनके प्रेम में दिव्यता नहीं रहती। नौवा, जिनका गुरु खराब रहता है वे अपने घर से बाहर या दफ्तर में कोई न कोई षड्यंत्र में उलझे रहते हैं, निंदा करते रहने में जीते हैं।
अब आइए जानते हैं वो कार्य जिससे गुरु मजबूत और कमजोर होते हैं। पहला, कबाड़ न निकालें इस दिन। घर में ईशान कोण का स्वामी भी गुरु होता है। इसका संबंध सीधे सीधे घर के नन्हे सदस्यों से होता है। यह कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। अधिक वजनदार कपड़ों को धोना, कबाड़ घर से बाहर निकालना, घर में पोछा लगाना इस कोण के प्रभाव को कम कर देता है। इससे बच्चों और परिवार के सदस्यों की शिक्षा, धर्म कर्म आदि का प्रभाव कमजोर हो जाता है। गुरुवार लक्ष्मी प्राप्ति करने का भी माना गया है। इस दिन लक्ष्मी नारायण का एक साथ पूजन जीवन में खुशियों की अपार वृद्धि करने वाला साबित होता है। ऐसा करने वाले पति पत्नी के बीच कभी दूरियां नहीं होती हैं। इसके अलावा धन भी बढ़ने लगता है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के प्रबल होने से उन्नति के रास्ते आसानी से खुलते जाते हैं। यदि गुरु को कमजोर करने वाले कार्य किए जाएं, तो हाथ में मिलते मिलते प्रमोशन दूर हो जाता है। जन्म कुंडली का दूसरा और 11वां भाव धन का होता है। गुरु इन दोनों ही स्थानों का कारक है। गुरुवार को गुरु ग्रह को कमजोर किए जाने वाले काम करने से धन की वृद्धि रुक जाती है। धन लाभ की जो भी स्थितियां बन रही हों, उन सभी में रुकावट आने लगती है। यह काम करते हैं गुरु को कमजोर। सिर धोना, भारी कपड़े धोना, फेशियल करना, नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करवाना, शरीर के बालों को साफ करना, मकड़ी के जाले साफ करना, उन कोनों की सफाई करना जिन कोनों की रोज सफाई नहीं की जाती, इनसे ही धन की हानि होती है। शास्त्रों में जो उल्लेख है उसके मुताबिक गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। जो महिलाएं इस दिन अपने बाल धोती हैं, उनके पति और संतान का जीवन प्रभावित तो होने लगता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। इसके साथ ही सभी को गुरुवार को नाखून काटना, कटिंग करवाना और शेविंग करवाना नहीं चाहिए। इन लोगों का गुरु कमजोर होने लगता है। तो ये थे दोस्तों गुरुवार के दिन करेंगे उपाय, सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ पाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी, आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।